जिन दिनों में हिमालय में था वहां कुछ इस ढंग से ही साधु मेरे आसपास थे, हमें तो पता भी नहीं था कि उनमें तो कितने साधु आईआईटीएन थे, को डॉक्टर्स अलग अलग तरीके के विश्वविद्यालयों से पढ़कर साधु आए थे। इस बात का तो मुझे अपने बैच का गौरव है कि जिन दिनों हम वहां थे उन दिनों हाईली क्वालिफाइड सन्यासी निकले थे, बड़े पढ़े लिखे, बहुत अत्यंत सभ्य शिष्ट, वो कुछ ऐसा मुझे इस बात का तो गौरव है कि जो हमारे वाला बैच था वो बहुत ही पढ़े लिखे साधु थे उस समय, बहुत पढ़े लिखे साधु। और ये मैं बहुत आदर के लिए तो नहीं कह रहा हूं अपने लिए, पर हाँ एक अनुभव बता रहा हूं। हम हिमालय में बहुत व्यस्त थे, कुछ समय नहीं हमारे पास, 24 घंटे हमें कम पड़ते थे, लेखन चिंतन अध्ययन अलग जीवन, तब कहानियां लिख रहे थे हम लोग, शास्त्रों में थे हम लोग। एक मैंने कुम्हार की कल्पना की थी वहां, और ये मैं और आप दोनों जानते हैं कि बर्तन तब अच्छे बनते हैं जब मिट्टी अच्छी बन जाए, जब तक मिट्टी अच्छी नहीं बनेगी बर्तन अच्छे नहीं बन सकते। कुम्हार की जो बर्तनों की प्रशंसा है वो तब होती है जब उसकी मिट्टी तैयार हो जाए, और जब वो एक बार मिट्टी तैयार कर लेता है फिर वो कुछ भी बना सकता है। एक बार मिट्टी तैयार हो जाए, मिट्टी तैयार हो जाने के बाद घड़ा सुराई सकोरा कुल्हड़ दीपक कुछ भी बनवाइए, एक बार मिट्टी तैयार हो उसकी। इसलिए कुम्हार की कोई पहली चिंता है तो सही मिट्टी का चयन, फिर उसका मर्दन, और उसे तैयार करता है मिट्टी को। और हिमालय के दिनों की ये मेरी कहानी है कि कुम्हार ने चाक तैयार किया उस पॉटर ने पात्र बनाने के लिए, और जैसे ही उसने मिट्टी डाली धीरे धीरे करके तो चिलम बन गई। अब चिलम बन के तैयार हुए तो कुम्हार को लगा, अरे क्या मेरा पहला उत्पादन मैंने चिलम बना दी, व्यसनियों के हाथ में जाएगी, इसकी आग रहेगी, इसके कंठ में तंबाकू होगा, चिलम पीने वाला धुआं निकालेगा, नशा होगा उसको, क्या मैंने कोई चीज़ पहले बना दी, चिलम बना दी मैंने, धुआं उगलेगी ये, नशा देगी, तंबाकू रखेगा वो, इधर उधर जाएगा, व्यसनी, मैंने क्या बना दिया, चिलम बना दी। उसमें और मिट्टी डालकर उसने फिर धीरे से सुराही बना दी। तो सुराही ने कहा, अरे कुम्हार तूने मुझे क्या बना दिया? तो उसने कहा, सुराही, और तू पहले क्या बना रहा था? चिलम। तो चिलम न बनाकर तैने मुझे क्या बना दिया? सुराही। सुराही क्यों बना दिया? तो कुम्हार कहता है, मेरा विचार बदल गया, और सुराही कहती है, मेरा संसार बदल गया। मेरा विचार बदल गया, कुम्हार कहता है, और सुराही कहती है, मेरा संसार बदल गया। छत्तीसगढ़ की प्रगति ऐश्वर्य सिद्धि समाधान यहाँ के विकास के लिए कथा है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों से कह रहा हूँ, ध्यान रखना, हमारा विचार बदलेगा तो संसार बदलेगा, विचार बदलेगा तो संसार बदलेगा, बस विचार बदलना है। और विचार जहां रहते हैं ताजा स्वस्थ सुंदर शोभित मधुर प्रिय अत्यंत अत्यंत मोहनीय उदात्त उत्कृष्ट दिव्य अनुपम भगवदीय, अगर कहीं विचारों को आप देखें तो ये विचार परिंदे हैं, ये परिंदे विचार, ये विचार पंछी कहां रहते हैं जानते हो? ये गुरु के गांव में रहते हैं, उसके आंगन में रहते हैं। इन्हें चुगना डालना होगा श्रद्धा का, कबूतर वहां पहुंच जाएंगे, श्रद्धा से विचार आपके पास आ जाएगा। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जितासनो जित स्वासो जित संगो जिते इंद्रिय। संतों के साथ बैठो, सत्संग करो, सदग्रंथों के आसपास रहो, स्वाध्याय करो, अच्छे विचार आ जाएंगे।